हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेके विजन पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक अजीब से सांप के मिश्रण से बनी शराब पी जाती है। यहां के लोगों को मछली और जिपकली दोनों ही पकड़ना पस है। इस देश में सजता है लव मार्केट, जिसे हमारी भाषा में पार्टनर चुनने वाला डेटिंग मार्केट भी कहा जा सकता है। वो अपना सीट बेल्ट बांध लीच अच्छे से और निकलते हैं वियतनाम की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, इस देश का आधिकारिक नाम है द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। खूबसूरती, खुशहाली और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है। 331,691 किलोमीटर क्षेत्रफल पाले ये देश, जहां 2023 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 98,858,000 लोग रहते हैं। इसी के साथ ये पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आता है। वियतनाम को दुनिया का 48वां सबसे एक घनी आबादी वाला देश माना जाता है। वियतनामी भाषा वाले वियतनाम में प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। यहाँ के भाषा में 16 अलग अलग टोन है और यही वजह है कि वियतनाम की भाषा को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं और ज्यादातर लोग इसमें फेल होते हैं। इस देश के लोग काफी खुशहाल हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीच 69.12 है, जबकि महिलाओं में ये 78.24। भले ही दोस्तों आज वियतनाम आजादी के सांस ले रहा है, यहाँ के नागरिक स्वतंत्र और खुश हैं। लेकिन एक समय था जब वियतनाम भी किसी का गुलाम हो आ करता था। अगर वियतनाम के खिलाफ अमेरिका ने 1964 में लड़ाई छिड़ी, तब अमेरिका ने 1964 से लेकर 1973 तक वियतनाम पर करीब 270 मिलियन यानी के 27 करोड़ क्लस्टर बम्बर्स आए, जो के अराक पर दागे गए। कुल बमों से 210 मिलियन यानी के 21 करोड़ जाना। ये युद्ध 1975 में खत्म हुआ था और इसमें जीत वियतनाम के विद्धा। रिपोर्ट्स की मुताबिक इस भीषण युद्ध में 20 लाख से भी ज्यादा वियतनामी लोगों ने अपनी जान गंवाए। अब क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तो ज्यादातर देशों को लगा कि वियतनाम हार मान लेगा, लेकिन वियतनाम ने हार नहीं मान, बल्कि उसने गोरिल्ला टेक्निक को अपनाया, जुकार कर साबित होगी। और इस तरह वियतनाम ने इस युद्ध में अमेरिका के 55,000 सैनिकों को डेर कर जीत हासिल की। इस युद्ध को वियतनाम वार के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिका के खिलाफ वियतनाम ने जीत हासिल की और इतिहास रचकर दुनिया के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। दोस्तों, दुनिया के मैप में वियतनाम भी एक अलग ही शेप दिखाई देती है। ये बाकी देशों से अलग एक अल्फाबेट की तरह नजर आता है। जहां से देखें तो हम पाएंगे कि वियतनाम का शेप बिल्कुल एस जैसा है। वियतनाम में यहाँ के लोकल लोगों के साथ दूसरे देशों से आए लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है, जिन्हें आप इमिग्रेंट्स कह हैं। इस देश में कार को लग्जरी प्रॉपर्टी माना जाता है और उस पर 200,300% का टैक्स वसूला जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को काजू तो पसंद होंगे ही, कायदे में ये पूछने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि दुनिया का लगभग हर इंसान काजू का दीवाना है, क्योंकि ये खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, सेहत के लिए उतने ही फायदेमंद भी है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम है। दुनिया का लगभग 45% काजू वियतनाम में ही पैदा होता है और इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अगर आप कॉफी या चावल के दीवाने हैं तो आपको वियतनाम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वियतनाम में बड़ी संख्या में कॉफी की बागवानी होती है। साथ ही चावल भी यहाँ की प्रमुख फसलों में से एक है। अगर हम कॉफी और चावल को एक्सपोर्ट करने के मामले में देखें, तो वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कॉफी और चावल का निर्यात करता है। इसके अलावा इस देश को काली मिर्च का राजा भी कहते हैं, क्योंकि वियतनाम दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा निर्यातक है। वियतनाम की लिक्ष्रिएट है 95.75%। ये देश संस्कृति और परंपराओं को आज भी प्राचीन काल की तरह फॉलो करता है। यहाँ आज भी स्कूल्स में घंटियां नहीं बल्कि पारंपरिक गोंग बजाए जाते हैं। इसके अलावा तमाम डेवलपर कंट्रीज में इस देश की बेरोजगारी दर सबसे कम है। इस देश में आपको कोई भी बेकार फालतू या फिर गलियों में घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां सभी के पास रोजगार है। और विकासशील देशों में वियतनाम को सबसे कम बेरोजगारी वाला देश माना जाता है। यानी यहां के लगभग 90-95% तक आबादी किसी न किसी तरह से प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आमतौर पर आपने क्लॉथ मार्केट, शू मार्केट, स्वीट मार्केट या किसी सामान से रिलेटेड ही मार्केट के नाम सुने होंगे, लेकिन वियतनाम में एक ऐसा मार्केट लगता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इस देश में हर वीक की आखिरी रात को एक लव मार्केट नाम से मार्केट सकता है। इसके लगभग यहाँ पहली ही डेट या मीटिंग में आपसे आपका उम्र और आप शादीशुदा है या नहीं इससे पूछी जा सकती है। वियतनाम के संस्कृति काफी अलग है।
ये एक ऐसा देश है जहां ड्रैगन को पवित्र पर प्रवाद करते हैं। इसके लगभग इस देश में कछुआ और घोड़ों को भी पवित्र माना जाता है, जिस तरह भारत देश में गाय को माँ कहा जाता है, ठीक उसी तरह इस देश में कवे को शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लगभग दुनिया भर में नए साल का जश्न में 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन वियतनाम इस मामले में भी सबसे हटके है। यहाँ नए साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि फरवरी के पहले वीक में मनाया जाता है। इस दिन वियतनाम में रहने वाले लोग पुली इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और खूब शोर शराबा भी मचाते हैं। अजल में आप वियतनाम के लोगों को थोड़ा अंधविश्वासी मान सकते हैं, क्योंकि वियतनाम के लोगों का मानना है कि नए साल के जश्न में शोर शराबे की आवाज से बुरी आत्माएं दूर रहती है और लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। फुटबॉल वियतनाम का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा यहाँ टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और मार्शल आर्ट्स भी काफी फेमस है। वही बात की जाए इस देश के पारंपरिक खेल की तो उसका नाम है सेपक टकराव। आपको बता दें कि वियतनाम में खेला जाने वाला ये पारंपरिक खेल कुछ कुछ वॉलीबॉल के जैसा है, जिसमें खिलाड़ी धेन को किक करने के लिए अपने पैरों का यूज करते हैं। यूज तो वियतनाम उन देशों में शामिल है जहां पर देह व्यापार को गैर कानून ही माना गया। देश में इससे लिए कानून भी है जिनमें सख्ती से लागू किया गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कानून लागू होने के बाद भी इस देश की लगभग 80,000 से ज्यादा महिलाएं इस धंधे में शामिल है। कोई खुद से, कोई फोर्सफुली, लेकिन यहाँ की आधी से ज्यादा महिलाएं देह व्यापार में शामिल है। वैसे दोस्तों वियतनाम अपनी एक बुरी आदत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि लोगों को अलग अलग चीजें खाने का शौक होता है, और सबसे ज्यादा अजीब और गरीब चीजों की बात की जाए तो वो चीन में खाई जाती है, लेकिन वियतनाम में भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गुफा है होन सांधू, और ये गुफा वियतनाम में ही स्थित है। इस गुफा की लंबाई 9 किलोमीटर जबकि चौड़ाई है 200 मीटर और ऊंचाई 150 मीटर के आसपास। ये इतनी लंबी गुफा है कि इसके अंदर जाने से हर कोई खौफ खाता है। कहा जाता है कि इस गुफा से अजीब अजीब और डरावने आवाजें सुनाई देती है, जिस बच्चे से यहाँ भटकना भी लोग अपनी जान का खतरा मानते हैं। वैसे तो वियतनाम में बहुत से खूबसूरत शहर हैं जहाँ आप सैर कर सकते हैं और प्रकृति का मजा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है हो ची मिन्ह सिटी। ये वियतनाम का सबसे खूबसूरत शहर होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ 9.3 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए शहर में आपको साल भर भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। यहाँ टूरिस्ट भी ज्यादा संख्या में पहुँचते हैं, इसलिए ये लोगों से खचाखच भरा रहता है। वैसे वियतनाम की कैपिटल सिटी है हनोई, जो कि यहाँ का खूबसूरत सा शहर है। उनो देशों का कल्चर और आर्थिक संबंध दूसरी शताब्दी से ही चल रहा है। साल 1954 की बात है जब फ्रांसीसी ताकतों के खिलाफ ती गैम्बे फू संग्राम में वियतनाम की जीत का जश्न मनाने के लिए ये देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वियतनाम बुलजे थे। इसके बाद 1958 में वियतनाम की राष्ट्रपति हो ची मिन्ह है भारत के दौरे पर आए। अभी से भारत और वियतनाम की रिश्ते मजबूत चले आ रहे हैं, इसलिए भारतीयों को वियतनाम टू विजिट करना ही चाहिए। आपको बता देखे वियतनाम में डॉन करेंसी के तार्फ चलती है। तो दोस्तों ये था एक शानदार खूबसूरत सा देश वियतनाम। आपको ये देश कैसा लगा और आप वियतनाम कब जाने वाले हैं या जा चुके हैं, तो आपको ये देश कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।